शहरी विकास विभाग के तत्वावधान में नगरपालिका सभागार गोपेश्वर में जनपद स्तरीय प्लास्टिक और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के समस्त नगरपालिका और नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों सहित तमाम लोगों ने प्रतिभाग किया। यहां पर जनपद स्तरीय गोष्ठी का शुभारंभ नगरपालिका अध्यक्ष पुष्प पासवान ने किया, जहां शहरी विकास विभाग के मास्टर ट्रेनर विकास छाछर ने सिंगल यूज प्लास्टिक और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में स्लाइड शो के माध्यम से सभी को विस्तार से जानकारी दी। हमें निदेशालय स्तर से जो है जो रिट पिटीशन फाइल हुई है जितेंद्र यादव बनाम भारत संघ, जिसमें कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य में सिंगल आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट 2016 और सिंगल यूज प्लास्टिक बैन जो नोटिस था उसके बारे में कहा जाता है इनका पालिकाओं द्वारा उत्तराखंड में इनका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। तो उसी के संबंध में 5 दिसंबर 2022 को राज्य स्तर की गोष्ठी आयोजित की गई थी और उसी के अनुपालन में फिर जिला स्तर की गोष्ठियाँ की जा रही हैं लगातार। विभिन्न सामाजिक संगठनों से आई हुई महिला बहनें और विभिन्न विभागों से आए हुए अधिकारीगण उपस्थित रहे। इसमें हमें निदेशालय से जो मार्गदर्शन मिला, गोपेश्वर अन्य जितनी भी पालिकाएं हैं उनमें हमें अपने पूरा निस्तारण के लिए कौन सी नीति बना रखी है उस विषय पर चर्चा हुई, उस विषय पर बात हुई। और हमारे गोपेश्वर नगर में जैसे हमने सिंगल यूज प्लास्टिक बैन किया है और हमने जो ये लीकेज और डंपिंग जोन इस विषय पर उन्होंने हमें विस्तार से अवगत कराया है।